देश में कोरोना के खिलाफ महाभियान में अब तक 30 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51,667 नए मामलों की पुष्टि, वहीं 64,527 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 212 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 355 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मॉनसून सत्र से पहले सभी विधायकों को सपरिवार कोरोना टीका लगवाने की पहल की है। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप डेल्टा प्लस की जांच को लेकर कोरोना संक्रमितों के सैंपल भुवनेश्वर के वायरोलॉजी लैब भेजे जाएंगे। प्रदेश में आपराधिक मामलों के अनुसंधान की निगरानी के लिए सभी जिलों में अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। मुंगेर जिले में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अनुराग पोद्दार की हत्या मामले में जिलाधिकारी ने परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का सहमति पत्र सौंपा है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत पश्चिम चंपारण जिले के नौतन स्थित मनरेगा परिसर में पर्यटन मंत्री नारायण दास ने वृक्षारोपण किया। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी के विरोध में सफल अभ्यर्थियों ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। और पटना के महावीर मंदिर का प्रसिद्ध नैवेद्य मिलना शुरू हो गया। अगले आदेश तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नैवेद्यम काउंटर खुला रहेगा। बुलेटिन के अंत में